भी ऐसा फीचर जो सिर्फ सभी लिविंग में हो और किसी भी नॉन लिविंग में हो, उसको लाइफ का डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। तो अब हम सेकंड कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो देखिए रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल नए ऑफस्प्रिंग बनाता है, नई प्रोजेनी बनाता है, अपनी प्रोजेनी बनाता है। लेकिन ये प्रोजेनी किसकी जैसी होती है, अपने पैरेंट के जैसी होती है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दे प्रोड्यूस प्रोजेनी लाइक दैट सेल्स, अपने जैसी प्रोजेनी बनाता है। मतलब एक वीट प्लांट है, जब उसमें रिप्रोडक्शन होता है तो वो नए वीट प्लांट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, तीन वर्ड बेसिकली हम इसके बताते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा वर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा वर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस बेस पर किया गया है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के किस पार्ट से नए इंडिविजुअल, ठीक है। अगर वो पार्ट बॉडी का कोई वेजिटेटिव पार्ट, कैसा पार्ट है, वेजिटेटिव, ठीक है, सोमैटिक पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, और उससे नए इंडिविजुअल बन रहे, तो ये मेथड कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे प्लांट के केस में हम कहें तो स्टेम की कटिंग से, लीव से, इनसे जो नए प्लांट बन जाते हैं, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, ये सारे जो मैथड होते हैं ये किसमें आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर की वजह से होता है। अब स्पोर क्या होते हैं, दे आर माइन्यूट प्रोपेल्यूल्स, बहुत छोटे छोटे प्रोपेल्यूल्स होते हैं। प्रोपेल्यूल्स का मतलब क्या है, विच हैव अ कैपेसिटी टू डिस्पोज, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकते हैं, डिस्पोज हो सकते हैं, क्लियर हो गया। तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्पोज। अगर इनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक मेथड को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि फंगाई में हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि फंगाई में स्पोर की हेल्प से रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक फादर की तरह काम करता है और एक मदर की तरह, दोनों अपने गैमेट बनाते हैं। मतलब गैमेट ऑफ जेनेसिस होता है, दोनों में क्या होता है, गैमेट ऑफ जेनेसिस होता है और उसके बाद गैमेट फर्टिलाइज होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाई पैरेंटल होता है, जिसमें दो पैरेंट इन्वॉल्व होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि आपका वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नई प्रोजेनी बनाने के लिए एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, दो पेरेंट की हमें जरूरत नहीं, ठीक है। सिंगल पेरेंट भी क्या कर सकता है, नई प्रोजेनी बना सकता है, तो इतना क्लियर हो। अब हम चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन मैं आपको कहूँगी, इट इज नॉट एंड ऑल इंक्लूसिव, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहला पॉइंट कि ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन इस लाइफ का मतलब क्या है, नॉट एंड ऑल इंक्लूसिव, लाइफ का डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, इसका रीजन बताया है कि सभी लिविंग बींग्स को ये इंक्लूड नहीं करता। कुछ लिविंग बींग ऐसे हैं जो लिविंग है लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल हो तो हमने हनी बी के अंदर वर्कर बी को पढ़ा, इसको पढ़ा था वर्कर, वर्कर बी लिविंग है लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो स्टेराइल होता है। कैसा होता है, स्टेराइल, वो अपनी प्रोजेनी नहीं बना सकता। तो
सभी लिविंग बींग में रिप्रोडक्शन नहीं होता ना बेटा, ऐसे ही देखो म्यूल जो होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, इनफर्टाइल वुमेन कपल जो इनफर्टाइल वुमेन कपल उनके भी बच्चे नहीं होते, लेकिन ये सभी क्या है, लिविंग तो है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें पहली कंडीशन फुलफिल नहीं, हालांकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन हो। जैसे कि देखो हमारी क्लास में इतनी सारी टेबल्स, क्या आप अगले दिन आते हैं तो टेबल का नंबर बढ़ जाता है? नहीं, नहीं ना, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन ये सभी लिविंग थिंग को इंक्लूड है, इसलिए हमने कहा इट इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए। इतना क्लियर हो? तो ये लाइफ का सेकंड फीचर आपका हो गया रिप्रोडक्शन। यहाँ पे भी हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर। अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ये देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। देखो जैसे ये एक लिविंग बॉडी, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हैं। मान लो पहले केमिकल्स को नाम दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं दे आर बी कॉन्स्टेंटली मेड एंड चेंज इनटू सम अदर। ये सभी केमिकल क्या होते हैं, लगातार बनते भी रहते हैं और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी होते हैं। जैसे कि ए कन्वर्ट हुआ बी में तो बी बन गया, लेकिन फिर बी कन्वर्ट हो गया सी में, फिर सी कन्वर्ट हो गया डी में, तो कोई भी फॉर्म बनती रही और साथ के साथ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक लिविंग बॉडी के अंदर ये जितने भी केमिकल कन्वर्जन्स होते हैं, जितने भी केमिकल कन्वर्जन्स होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, लिविंग बॉडी में होता है, इन केमिकल कन्वर्जन्स को कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, एक कंडीशन लगा कि जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, लिविंग बॉडी में होती है, उनको क्या कहा गया, मेटाबॉलिक। इंडिविजुअल कन्वर्जन को तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा गया, और एक लिविंग बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन सब के सब को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन ए लिविंग बॉडी, सम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन ए लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उन सबका सम क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जैसे मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करते हैं ना, तो वो सारा सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड होता है, केमिकल कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि एक लिविंग बॉडी है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि मेटाबॉलिज्म लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म लाइफ का डिफाइनिंग फीचर। अब डिफाइनिंग फीचर क्या है, इसका मतलब ये डिफाइनिंग फीचर की दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दोनों प्रॉपर्टी कौन सी, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। जैसे रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन आ रहा था, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब में मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हालांकि इंडिविजुअल मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बॉडी से बाहर भी करा सकते हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम, मतलब नॉन लिविंग सिस्टम में भी करा सकते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म कभी भी बॉडी से बाहर नहीं।
इंडिविजुअल रिएक्शन को करा सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो तो आप प्रोटीन का ब्रेकडाउन टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। आप पूरे सब को, पूरी सीरीज को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं उसे सीक्वेंस। इंडिविजुअल मेटाबॉलिक रिएक्शन को तो करा सकते, ठीक है। तो पहली चीज को ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया से लेकर के एनिमिलिया सब में, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बैक्टीरिया से लेकर के एनिमिलिया तक सभी में प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इस कैरेक्टर को शो नहीं, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इस कैरेक्टर को शो नहीं। तो ये डिफाइनिंग फीचर की दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, लाइफ का डिफाइनिंग। पहला फीचर आपका है जो लाइफ का डिफाइनिंग, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एक एनाबॉलिज्म होता है और एक क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? एनाबॉलिज्म एक टाइप का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब कोई चीज बन गई, दैट मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया। सिंपल मॉलिक्यूल्स को ऐड करके क्या बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब देखो, सिंपल मॉलिक्यूल को मिला करके कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? पोजिशन ना। तो नए बॉन्ड बन गए, क्या बन गए, नए बॉन्ड बन गए। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, अब इसका एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, सोच के देखो। जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या करता है, 6CO2 + 12 water give rise to C6H12O6 + 6 water + 6 water। ये क्या कहलाता है, एनाबॉलिक पाथवे। क्यों कह रहे हैं एनाबॉलिक? देखो, CO2 और वाटर सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनको मिलाकर के ग्लूकोज बन गया, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया जो कि 6 कार्बन। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस। और जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है ना, तब कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जैसे कि देखो, जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो क्या करता है, C6H12O6 + 6 O2 CO2 + 6 O2। आप देखो, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में, इसमें टूट गया सिंपलर मॉलिक्यूल। तो ये कैसा प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव। हमने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में हमने बेसिकली क्या क्या विषय पढ़े, पहला मेटाबॉलिज्म होता क्या है, दूसरा मेटाबॉलिज्म लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, और तीसरा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या हो, ठीक है। अब आता है लाइफ का थर्ड फीचर, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखो। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई
ये पांच सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में है जिनकी हेल्प से हम किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं। हालांकि प्लांट्स में इस तरीके के कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होते, लेकिन फिर भी प्लांट एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर, जैसे आपने देखा होगा फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर क्या करते हैं, तो प्लांट में ऐसे कोई सेंस ऑर्गन नहीं फिर भी वो रिस्पॉन्ड कर, जैसे कि आपने देखा होगा फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। फोटो पीरियोडिक होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड मतलब ड्यूरेशन। आपने देखा होगा जो प्लांट समर सीजन में ग्रो करता है और समर सीजन में ही ग्रो करेंगे विंटर में ग्रो करते हैं, क्यों? उनके लिए पर्टिकुलर डे लेंथ चाहिए। जो प्लांट विंटर सीजन में ग्रो करता है वो समर में ग्रो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनके लिए लॉन्ग डार्क पीरियड चाहिए। तो जो लाइट का ड्यूरेशन है उसको प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। आप क्वेश्चन आते हैं कि क्या कॉन्शियसनेस लाइट का डिफाइनिंग फीचर है? बिल्कुल, ये भी क्या है, लाइट का डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है लाइट का डिफाइनिंग फीचर? वही दो प्रॉपर्टी जहाँ पे फॉलो, पहला इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं, इससे नहीं होता है नॉन लिविंग में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ह्यूमन इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस भी है, सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए भी कॉन्शियस नहीं है, कैसा भी है सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी किसके पास होती है? जैसे कि सोचो बेटा, हमें कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना, तो हम वेल ड्रेस अप होके जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? तो ये हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? और ये लाइफ का सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर, ये लाइफ का क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर, ये चीज याद रखना, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर लाइफ का कौन सा है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट फीचर की तरफ, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप उठाओ, किसी भी लेवल पर उठाओ, कोई भी इंडिविजुअल अपने से छोटे लेवल की ग्रुपिंग से बने, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एटम्स हैं, एटम्स मिलकर के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल, जिनको आप बायोमॉलिक्यूल, एक टाइप के मॉलिक्यूल कैसे हैं, बायो मॉलिक्यूल से मिलकर के सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज से
बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है कि नहीं बनाता, लेकिन क्या इसकी इंडिविजुअल बोन सेल बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकती है? बिल्कुल। तो जब भी कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स न्यू प्रॉपर्टी तभी इमर्ज आउट होती है जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इंट्रैक्शन होता है उसके कंपोनेंट। जैसे कि बायो मॉलिक्यूल्स वो काम नहीं कर सकते जो उसकी ऑर्गेनाइज कर सकते, ऑर्गेनाइज वो काम नहीं कर सकती जो सेल कर सकती। जब भी कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके कंपोनेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन से न्यू प्रॉपर्टी इमर्ज होती है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं, क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है? बिल्कुल, ये भी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं। और लिविंग में भी सभी लिविंग